तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करके हमने मंगाया है नोवा का ये ट्रिमर। ये मुझे 900 950 का पड़ा शिपिंग चार्जेस के साथ। नोवा का इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैंने जो ट्रिमर ख़रीदा था 200 रुपये का, वो भी नोवा का ही था। काफ़ी टिकाऊ चीज़ लगी मुझे, अब तक चल रहा है वो मेरा। उसके बाद मेरा एक और मैंने महंगा ब्रांड का ख़रीदा था, वो ख़राब हो गया। नोवा मेरा अब तक टिका हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा नोवा का ट्रिमर ख़रीदा, जो कि NG 1140 है, यानी कि NG 1145 मॉडल है नोवा ब्रांड का। इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है 5 घंटे का, और ये 1 घंटे का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करता है, ऐसा इसके बॉक्स पर लिखा गया है। बाकी आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे 1 हफ़्ता, उसके बाद देखेंगे। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि क्या क्या इसमें नोवा क्या क्या देती है इस ट्रिमर के साथ में। तो करते हैं ओपन बॉक्स। निकल जा मेरे भाई। तो निकल गई है सबसे पहले पुस्तिका, जिसका पढ़ना है पढ़ सकते हैं आप अधिक जानकारी के लिए, बाकी मैं तो नहीं पढ़ूंगा। हमें तो चाहिए माल। तो माल की शुरुआत होती है अटैचमेंट से। इसमें सबसे पहले हम उठाते हैं चिकना पदार्थ, मशीन का तेल, वो ब्लेड की रस्टिंग ब्रस्ट से बचाने के लिए, या फिर उसकी धार ख़त्म ना हो उसके लिए जो है मशीन का तेल है। बाकी ब्लेड की या मशीन की सफाई के लिए एक डिसेंट क्वालिटी का ब्रश दिया गया है, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी है। उसके बाद हमें मिलता है बॉक्स में ये नाक कान के बाल ट्रिम करने का एक ब्लेड, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी का मुझे लगा। बाकी ये है 0 नंबर का, जिसे बोलते हैं 0 नंबर का ब्लेड। एक क्वालिटी इसकी भी ठीक थी, कोई दिक्कत ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पैसे के हिसाब से अभी तक वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे इसमें। बाकी कुछ कॉम्ब वगैरह दिए गए हैं, 5 अलग अलग साइज़ के कॉम्ब हैं, जो कि आप अपनी हेयर कटिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। एक ये इसके चार्जिंग कोड है, केबल लगभग 1 मीटर की ये लंबाई है इसकी। माइक्रो यूएसबी टाइप इसी में कोड आती है, ये भी ठीक ठाक क्वालिटी की है। माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी ये प्रोवाइड की जाती है नोवा के द्वारा। अब बारी है अपने फाइनल औजार की, फाइनल टूल, जो कि है मेन ट्रिमर। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उतारते हैं इसके कपड़े। तो फाइनली ये है अपना फाइनल लुक ट्रिमर का, जो कि देखने में तो काफ़ी ठीक लगा मुझे। बाकी इसकी रैपिंग अनरैपिंग करके देखते हैं कि कैसा है जादू इसका। यानी कि एक टच से चल जाएगा, एक टच से बंद हो जाएगा, ऐसा कहती है नोवा। एक ब्लेड इसमें प्रोवाइड किया गया है 0.5 mm का, ठीक है। साथ में ये प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए मार्किंग दी गई है, जो कि क्वालिटी अच्छी है इसकी मुझे लगी अभी तक। ग्रिपिंग भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। हैंडलिंग भी बढ़िया है, आसानी से हाथ में, ज़्यादा वजन नहीं है, हल्का सा हल्का महसूस होता है कि हल्का सा ट्रिमर है, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए यहाँ साइड में इसकी मार्किंग दी गई है ताकि आप स्लिप ना हो हाथ से। क्वालिटी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका फाइनल रिव्यू जो है हम एक हफ्ते यूज़ के बाद कर देंगे, कोई इशू नहीं है। यह है इसमें नीचे माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, इसका माइक्रो चार्जिंग यूएसबी पोर्ट। यह है मोटर की कंडीशन, इसकी कैम बोलते हैं शायद इसको, रोटर जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर का है, कॉपर कोटिंग है। अगर मुझे कोई इंडिकेटर अगर देखना कि